Good morning students, myself Shivam sir, and today I will teach drawing subject. Which class? First standard. Okay bacho, open your drawing book and page number 24. Page number 24. देखें, एक बर्ड है. ओके, एक बर्ड है. क्या है बच्चों? छोटी सी चिड़िया है. ओके, जिसे हमें अभी ड्रॉ करना है. ओके, तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल और यहाँ पर एक सर्कल, जिसे हमें इस तरह से जॉइंट करना है. ओके, तो यह हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ. अब मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ. दो देखिए बच्चों, यह हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ. अब हमारा सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप देखिए बच्चों. मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया देखिए बच्चों. ये चिड़िया का सर, चिड़िया की, चिड़िया का पेट. ओके, इसकी पूंछ और इसका ये. ओके, तो अब हमें थर्ड स्टेप यहाँ पर ड्रॉ करना है. फिर से हमें इस तरह से बनाना है यहाँ पर. ओके, तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमें बनाना है. इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर इसका एक और यहाँ पर एक. ओके, अब इसके पैर. देखिए बच्चों, इस तरह से आपको ये चिड़िया बनानी है. देखा आपने? तो अब आपको इसे क्या करना है, अच्छी तरह से कलर करना है. ओके, यहाँ पर इसका जो मुंह है वहाँ पर ब्लैक कलर है, इसका जो इसकी जो आँख है वहाँ पर भी ब्लैक कलर है, इसके जो पैर है वहाँ पर भी ब्लैक, और यहाँ पर थोड़ा सा आप रेड या ऑरेंज कलर दे सकते हो, नहीं तो ओके. आप इसे आप यहाँ पर रेड कलर दीजिए बच्चों, ऑरेंज भी चलेगा बट रेड कलर आपको यहाँ पर देना है, और सभी तरफ आपको येलो कलर से कलर करना है. ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक पूरा होगा. तो आज का आपका होमवर्क मैं आपको देता हूँ बच्चों. होमवर्क क्या है आज का? पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 क्या बच्चों? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स. ओके, यहाँ पर फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है पेंसिल. ओके, देखिए ये मेरे हाथ में जो पेंसिल है वही पेंसिल यहाँ पर दी गई है, जिसे आपको ड्रॉ करना है बच्चों. ओके, आज का आपको होमवर्क क्या? ओनली पेंसिल. ओके, देखिए बच्चों ये पेंसिल है, सिर्फ पेंसिल आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पर टू लाइंस बनाना है. ओके, और यहाँ देखिए आप इसे जॉइंट करके आपको ये पेंसिल बनानी है. ओके, समझो मैं, ये लाइंस बनाने के लिए आपको स्केल का यूज़ करना है बच्चों. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं पेन
और पेन और ब्रश कैसे ड्रॉ करना है ये बताता हूँ। आपको सिर्फ पेंसिल ड्रॉ करनी है होमवर्क में और उसे कलर करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।